हेलो दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं विकास मल्टीकॉप लिमिटेड शेयर प्राइस टुडे एंड विकास मल्टीकॉप न्यूज़ की। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब में और सब लोग स्टॉक के 100-100 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। पक्की खबर है अब 100 रुपये के पार हो जाएगा आपका विकास मल्टीकॉप। ऐसे ऐसे खबरें आपको यूट्यूब में देखने को मिल सकती है और गूगल में भी। दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू है, काफ़ी दिनों से आपको कह रहा हूँ, ठीक है, आपको पता ही है। अगर आप विकास मल्टीकॉप के ऊपर, मेरे ख्याल से मैंने तीसरा चौथा वीडियो बना रहा हूँ, लगातार आपको कह रहा हूँ कि अभी बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है। आई नो कि इसकी जो लेटेस्ट खबर थी वो ये थी कि इसने 100 करोड़ का अप्रूवल दे दिया है फंड रेज का, लेकिन तब भी स्टॉक आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था 6 रुपये के लेवल से लगातार कह रहा हूँ अभी बाय मत करो, अभी बाय मत करो। जब तक स्टॉक 4.10 रुपये के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है, आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है, राइट। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है तो आप 4.10 रुपये के ऊपर स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ स्टॉक को, तो जैसे हमने आपको बोला था 5-6 दिन पहले वही हो रहा है स्टॉक में। स्टॉक अभी तक 4.10 रुपये के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है, इवन उसको टच भी नहीं कर पाया है, ठीक है। उसको आप यह बोल सकते हो कि यहाँ पर कंसल्टेशन फेज में जा चुका है स्टॉक, और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है स्टॉक का बिहेवियर, मुझे लगता है स्टॉक ये अपना लो तोड़ सकता है। जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में ये 3 रुपये का लो बनाया था, डेफिनेटली मुझे लगता है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से तोड़ सकता है। तो भाई देखो, अगर आप स्टॉक को सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म को होल्ड कर लूँ 4 रुपये के लेवल्स में, 3.5 रुपये के लेवल्स में, तो भाई अभी मत करो, अभी बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जब तक स्टॉक 4.10 रुपये के ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक तो आप उसके ऊपर सोचना मत कि मैं स्टॉक को बाय करूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और 100 रुपये के टारगेट के लिए भैया मुझे नहीं लगता है आने वाला जस्टिफाई है। इसके रीजन बता देता हूँ कि क्यों नहीं आएगा 100 रुपये का टारगेट। भाई देखिए दोस्तों, कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, नहीं कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा है, कंपनी में इतना सारा कर्जा है, तो उसका क्वेश्चन ही मत पूछिए, कंपनी में बहुत कर्जा है, ठीक है। तो मतलब कंपनी डेट फ्री भी नहीं है। और देखो जीरो होल्डिंग पैटर्न देखता हूँ, मतलब प्रमोटर्स जो मालिक है इसके, वो लगातार स्टॉक की होल्डिंग बेच रहे हैं। तो खुद सोचो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग क्यों बेचते हैं? उसका सिंपल क्लियर कट रीजन ये होता है कि उनको पता है कि फ्यूचर में इसकी कोई ग्रोथ नहीं, इसलिए ये जो प्राइस में मिल रहा है 3-4 रुपये पे, हम माल को चेप के चले जाते हैं पब्लिक को, और आराम से फिर या तो जब स्टॉक 20 पैसे या 30 पैसे या 1 रुपये आएगा, वहाँ पर हम थोड़ा इसको बाय द्वारा कर लेंगे। ये लोगों की थिंकिंग होती है प्रमोटर्स की ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि यार स्टॉक आपका 1 रुपये से 22 रुपये के लेवल्स तक गया है, और प्रमोटर ने माल आपको 3-4 रुपये के लेवल में नहीं चेपा है, आपको ऊपर के लेवल में चेपा है, 7-8 रुपये 9 रुपये के लेवल्स में। तो वो देखा जाए तो वो अभी भी प्रॉफिट में है, अगर होल्ड करके रखते हैं अभी 3 रुपये तक, तो वो अभी लॉस में होते हैं ना। बड़ा सबसे बड़ा लॉस तो उनको होता है, आपके पास कितनी क्वांटिटी होगी, 1,000, 10,000, 15,000 क्वांटिटी होगी, उनके पास लाखों क्वांटिटी है, बात को समझो। तो भाई अगर FII थोड़ा बहुत क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो बाय कर रहे तो आप भी बाय करोगे, ठीक भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से स्टॉक को आपको बाय करके नहीं चलना चाहिए, 4-10 रुपये के ऊपर जाएगा तो हम बाय करने की सोचेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं सोचने वाला। छोटा सा विकास मल्टीकॉप के ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा और वीडियो बना के अपडेट कर देता हूँ कि अभी भी बाय नहीं करना है। जब बाय करना होगा तो डेफिनेटली या तो आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, या आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ स्टॉक 4.10 रुपये जा चुका है, अब हमें इसको बाय कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। तो भाई अभी भी आप इसको वेट करो, आराम से वेट करो, सबर करो, स्टॉक को आप देखो बस, ठीक है, मजे लो मजे, ठीक है। ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कुछ और मेरे बिता सकता है, ठीक है। तो भाई मजे लो, जब तक 4.10 रुपये के ऊपर नहीं जाता, बाय करने के बिल्कुल सोचना नहीं है। फंडामेंटल स्टॉक के बहुत वीक है, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 100 रुपये जाने वाला है, तो भाई देख लो, बाकी आपकी मर्जी।